रेलवे सुरक्षा बल नागपुर की अपराध खुफिया शाखा ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को फिल्म स्थल में धर दबोचा है। एक आरोपी को स्टेशन पर तो दूसरे आरोपी को शहर के सीमा पर और तीसरे आरोपी को ट्रेन नंबर 1823-7 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में काटोल स्टेशन पर पेट्रोलिंग टीम ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से करीब 108 किलो गांजा भी जब्त किया है। एक आरोपी को स्टेशन पर तो दूसरे को शहर सीमा पे और तीसरे आरोपी को ट्रेन नंबर 1823-7 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में काटोल स्टेशन पर पेट्रोलिंग टीम ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 108.65 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 16,29,750 रुपया की गई। गिरफ्तार आरोपियों के नाम योगेश नर्मदा प्रसाद और राजेश भगवान यादव बताए गए हैं। दोनों सतना जिला सीहोर मध्य प्रदेश निवासी है। तीसरे आरोपी का नाम सरयावा जिला औरई उत्तर प्रदेश बताया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामले को अंजाम देने की जानकारी ले रही है। नागपुर रेलवे स्टेशन येथे दिनांक 2 जून रोजी प्लॅटफॉर्म नंबर 1 ब्रिजच्या खाली 2-3 इसम संशयास्पद असल्याचे क्राईम ब्रँच RPF यांच्या पोलीस पथकाच्या निदर्शनास आले होते। त्यानुसार त्यांनी त्यांच्याकडे चौकशी केली आणि बॅगा चेक केल्या, त्यावेळेला त्याच्यामध्ये गांजा असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं। त्यानुसार RPF नागपूरच्या पोलीस सब इन्स्पेक्टर प्रियंका सिंग यांनी गांजा जप्तीची कारवाई केलेली आहे। त्यामध्ये 11 बॅगांमध्ये मिळून टोटल 108 किलो गांजा, जवळपास 15 लाखांचा गांजा जप्त केलेला आहे। आणि आरोपी नामे योगेश नर्मदा प्रसाद वय 29 वर्ष, राजेश यादव वय 28 वर्ष, शिवा दुबे वय 19 वर्ष, सर्व राहणार मध्य प्रदेश, या तिघांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। त्यांचे 2-3 साथीदार फरार झालेले आहेत आणि असा गांजाची NDPS ऍक्ट अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। GRP पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कविकांत चौधरी साहेब या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत। आरोपींना 7 दिवसांचा पोलीस कोठडी रिमांड मिळालेला आहे आणि तपासादरम्यान आम्ही ज्यांनी गांजा विकला ते तितलागडचे आरोपी आणि गांजा जिथे घेऊन जाणार होते ते इंदोरचे आरोपी यांचा शोध घेत आहोत। 108 किलो गांजा आहे 11 बॅगांमध्ये आणि 15 लाख त्याची किंमत आहे। मौके पर पंचनामा होने तक जप्त माल और तीनों आरोपियों की निगरानी के लिए दिलीप कुमरे और सुखबीर सिंह को तैनात किया गया, लेकिन तीनों आरोपी मौका देखकर भागने में सफल हुए। हालांकि सुखबीर ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरे आरोपी को जसबीर सिंह ने शहरी सीमा में दबोचा। तीसरे आरोपी को ट्रेन क्रमांक 1823-7 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में काटोल स्टेशन पर पेट्रोलिंग टीम ने अरेस्ट कर लिया। आगे की कार्रवाई के लिए तीन आरोपियों को जब्त माल के साथ लोहमार्ग पुलिस ने सुपुर्द कर दिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।